यूपी की योगी सरकार एक बार फिर हुई नाकाम। लखनऊ कोर्ट में फायरिंग, मारा गया मुख्तार अंसारी का करीबी कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा। उमेश पाल के बाद एक बार फिर दिन दहाड़े यूपी में गोली मारकर हत्या। क्या अतिक कांड के बाद भी खौफ नहीं खा रहे बदमाश। लखनऊ के कैसर बाग में पॉक्सो कोर्ट के गेट पर वकील की ड्रेस में आए युवक ने कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को गोली मारकर हत्या कर दी है। संजीव माहेश्वरी जीवा को पुलिस ने AK-47 और 1300 कारतूसों के साथ शामली से पकड़ा था। जीवा की पहचान पश्चिमी यूपी में कुख्यात गैंगस्टर के रूप में है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन था कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा। बताया जा रहा है कि कोर्ट में कातिल वकील की ड्रेस पहनकर आए थे और उन्होंने कचहरी में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान एक बच्ची और एक पुलिस वाला घायल हो गया है। सुनिए वहां मौजूद वकील ने क्या कुछ कहा है। क्या कुछ घटना हुई थी यहां पे? SC/ST कोर्ट में एक व्यक्ति आया था वकील की ड्रेस में, उसी ने वहां पे एक महिला को मारा, एक सिपाही को भी गोली लगी है, यही घटना हुई थी। इसके साथ ही बताया जा रहा है मुख्तार का कोई आदमी है संजीव जी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जानकारी भी है क्या कुछ घटना हुई थी? जानकारी कुछ 10 मिनट पहले भी वहां परिसर से निकला हूँ, परिसर से निकला तुरंत व्हाट्सएप पे फोन पे कॉल आया कि यहाँ पे क्या कहते हैं गोलीकांड हो गया। उसमें एक महिला, एक क्या कहते हैं बच्ची तत्काल खत्म हो गई, जिसको गोली मारी वो भी खत्म हो गया, ठीक है। एक पुलिस कर्मी घायल हुआ है और महिला को ये लोग क्या कहते हैं ट्रामा सेंटर बताया जा रहा है कि लेके गए हुए हैं। अब क्या है वास्तविकता क्या है, ये गोली किसको मारने आया था जानकारी मिल पाई? ये जो अपराधी था उसी को मारने गोली आया था और बताया जा रहा है वकील के ड्रेस में ही थे ये लोग। जी सर, कचेरी में क्या कुछ घटना हुई? अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है, अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको बता रहा हूं। दरअसल जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया था और फिरौती 2 करोड़ की मांग की थी। उस वक्त किसी से भी 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा और फिर सतेंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की इतनी तड़प थी कि कुछ समय बाद ही वह मुख्तार अंसारी से जुड़ गया। February 1997 को ही भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में इसका नाम सामने आया था, जिसमें बाद में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। फिर जीवा थोड़े दिन बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, जीवा के पास हथियारों को जुटाने की तिगड़मी नेटवर्क था, इसी कारण उसे अंसारी का खास कहा जाता है। और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी आया। पिछले दिनों ही कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये थी लखनऊ के कोर्ट में हुई फायरिंग से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।